सवाल ये है कि किसी बंदे के पास सोना ज़्यादा है, वो अपने बच्चों में उसको तकसीम कर देता है और ख़ुद उसके नगरान की हैसियत इख्तियार कर लेता है कि कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे मैं इनके स्पुर्द कर दूँगा। आम तौर पर इसमें होता पता क्या है, ये हीला ज़कात से बचने के लिए किया जाता है और शायद हमें इसका अंदाज़ा नहीं कि एक साल के बाद 40वां हिस्सा अल्लाह के रस्ते में देने की बरकत कितनी आती है, कितनी मुसीबतें डल जाती हैं, कितनी बलाएं हमसे डल जाती हैं। ये आम तौर पर लोग करते ही ज़कात से बचने के लिए, और ज़कात से बचने के लिए किया जाने वाला हीला हीला होता है। अगर कोई मर गया माँ बाप में से, ज़ाहिर बात है वो तो तकसीम होना ही होना है, तो वो बच्चों के नाम तकसीम हो गया और उसका कोई नगरान बन जाए तो समझ आती है कि जी यतीम बच्चे अभी स्पुर्द नहीं किया जा सकता, अभी ये नगरान है। बाप फोत हो गया, उसकी मालियत थी माँ नगरान है, ठीक है, समझ आती है कि तकसीम हो चुका है उसूली तौर पे। माँ बाप जिंदा हैं, सिर्फ नीयत भी ये है कि चलो इनके नाम अभी तकसीम करो, कि मिसाल के तौर पर अगर वो 20 लाख रुपया है तो साल बाद 50,000 रुपया ज़कात उसकी बन जाएगी। 50 बचाने के लिए इंसान अगर ऐसा करता है तो ये अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदे के लिए उसकी सोच के मुताबिक ही उसके साथ रवैया करता है। जब आप अल्लाह के रस्ते में खुल कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले में बहुत कुछ, ऐसा हीला है ये नहीं करना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।